हे एवरी वन वेलकम बैक टू माई चैनल एंड इन दिस वीडियो आई एम गोइंग टू एनालाइज अ पोइट्री विच इज़ पनिशमेंट एंड इट वॉज रिटन बाय सिमिस हेनी सिमिस हेनी की पोइट्री है पोइट्री का नाम है पनिशमेंट जैसे कि आपको टाइटल से ही समझ में आ रहा है इसमें किसी तरीके की कोई ना कोई एक पनिशमेंट को शो किया गया होगा सो द थिंग इज़ कि कैसी पनिशमेंट है किसको दी गई है और पनिशमेंट दी क्यों गई है सो so, इतने जो भी ऐसे क्वेश्चन हैं वो सारे ही क्वेश्चन इसमें इंक्लूड किए गए हैं जितनी भी इसमें स्टैंड हैं उसमें तो ये जो पोइट्री थी ये फर्स्ट टाइम पब्लिश हुई थी बुक में जिसका नाम था नॉर्थ और वो बुक पब्लिश हुई थी 1975 में तो इस वीडियो में ही मैं पोइट्री को कवर करूँगी स्टैंडर बाय स्टैंडर एंड देन कुछ जो चीज़ें हैं इंपॉर्टेंट की फैक्टर्स हैं उनको एनालाइज करूँगी तो सबसे पहले तो मैं यही स्टार्ट करूँगी कि ये सीमिस हेनी है वो एक आयरिश पोइट थे आपको ये याद रखना है कि आयरिश पोइट थे क्योंकि इनकी जितनी भी पोइट्री होती है उसमें आपको इनका जो लव था कंट्री के टवॉर्ड्स या फिर जो इन्होंने शो किया है क्रोलिटी को वायलेंस को जितनी भी चीज़ें उस टाइम पर आयरलैंड में हुई थी नॉर्दर्न आयरलैंड में मेनली तो इसीलिए इस चीज़ को आपको याद रखना है कि ये आयरिश पोइट थे देन ही वॉज अ प्ले राइट एज वेल ट्रांसलेटर भी थे और इन्होंने 1995 में नोबल प्राइज़ भी जीता था लिटरेचर में ही एक अमेरिकन पोइट थे जिनका नाम था रॉबर्ट लॉवेल उन्होंने बोला था कि जो सीमिस हेनी है ही वॉज द मोस्ट इम्पॉर्टेंट आयरिश पोइट सिंस यड्स कि येड्स के बाद ये बहुत इंपॉर्टेंट पोइट है सबसे ज़्यादा इम्पॉर्टेंट पोइट है सो वर्ड्स गोइंग ऑन इन दिस पोइट्री इज़ ऑल अबाउट अ इमेज आप सिंपली अपने गूगल पे सर्च कर सकते हैं और उसमें आप लिखेंगे विंड बी आई गर्ल इमेज मैं यहाँ पे फोटो नहीं लगा रही क्योंकि कॉपीराइट का क्लेम हो जाता है आप एक बार उस चीज़ को सर्च करिए फटाफट से तो आपको एक आइडिया हो पाएगा कि इस पोइट्री में क्या बोला गया है और ये ऐसी इमेज है फ़ोटो है जो आपको ज़रूर देखनी चाहिए अगर आप इस पोइट्री को पढ़ना चाहते हैं तो और अगर, अगर अब आप यहाँ पर आ चुके हैं फोटो को देखने के बाद तो आपने देखा होगा कि इसमें एक डेड बॉडी है जो कि हाफ रुइन हो चुकी है हाफ डैमेज है तो ये वो ये जो पोइट्री है वो इसी इमेज के हिसाब से इसके लिए लिखी गई थी दरअसल हुआ ऐसा था कि 1952 में नॉर्दर्न जर्मनी में को एक जो ये बॉडी है इस बॉडी के कुछ रिमेन्स मिले थे बचे हुए पार्ट्स मिले थे इन अ पिट मतलब एक गड्ढे में बॉग में मिले थे और ऐसा सोचा गया था एस्टिमेट किया गया था कि ये जो बॉडी है वो 2000 थाउजेंड ईयर्स ओल्ड है और ये भी अनुमान लगाया गया था गैस किया गया था कि ये जो बॉडी है द बॉडी ऑफ अ यंग गर्ल कि यंग गर्ल की बॉडी है जिसे एग्जीक्यूट किया गया था फ़ॉर द पनिशमेंट ऑफ अडल्ट्री अडल्ट्री में क्यों वो हम इस पोइट्री में आगे देखेंगे तो कहने का मतलब क्या है कि एक ऐसी गर्ल की बॉडी को सोचा गया था कि ये एक लड़की थी जिसको एक्जीक्यूट किया गया था क्योंकि उसने कोई अडल्ट्री करी थी अफेयर था किसी और के फा जैसे कि हम कहते हैं कि अडल्ट्री है रिलेशनशिप में है वो शादी के बाद भी उस चीज़ को कहते हैं तो मैं ये क्यों बोल रही हूँ क्योंकि इसे एग्जीक्यूट किया गया था क्योंकि ये तो सिर्फ एक रिमेन्स है रिमेंस को देख के कोई नहीं बोल सकता कि ये मरा था या फिर इसको मारा गया था वो इसलिए बोला गया है क्योंकि जब ये बॉडी मिली थी तो इस बॉडी के नेक के अराउंड में एक नोज़ मिला था नोज़ क्या होता है फांसी का फंदा तो उसकी नेक के अराउंड में एक नोज़ मिला था इसकी आइज़ पे ब्लाइंड फोल्ड मिला था और ऐसा लगता था कि देखने के बाद कि इसे फोर्सफुली खींचा गया था और इसकी बॉडी पे एक हैवी स्टोन को रखा गया था ताकि ये जो वुमेन है या फिर जो गर्ल है वो पानी के अंदर ही दबी रह सके और बाहर निकल कर ना आए तो सीमित सैनी ने इस डिस्कवरी को ये जो उस टाइम पे बॉग में एक बॉडी मिली थी इस डिस्कवरी को एज अ एंशेंट एग्जाम्पल जो प्रेजेंट में ब्रूटालिटी हो रही थी वॉयेंस हो रहा था उसके साथ कनेक्ट किया है इस पोइट्री में कि ये तो पहले की बात थी दो साल पहले क्या हुआ था लेकिन अभी भी सेम काइंड ऑफ पनिशमेंट हो रही है और वो कैसी पनिशमेंट है वो पोइट्री में उन्होंने एनालाइज किया गया तो जो हिनी है वो पैरल दिखा रहे हैं जो डेथ हुई थी जो पर्सन था इस बॉक के अंदर उसके अंदर और जो मॉडर्न गर्ल्स थी जो फेस कर रही थी सफ़र कर रही थी जिस टाइम पे ये पोइट्री लिखी गई थी तब 1968 से 1998 तक जर्मनी में ट्रेवल्स चल रहे थे नॉर्दर्न आयरलैंड में नॉर्दर्न आयरलैंड के बीच में और रिपब्लिक ऑफ आयरलैंड के बीच में कैथलिक्स और जो प्रोटेस्टेंट हैं इन सबके अगेंस्ट बीच में कुछ ट्रवल्स थे और उस टाइम पैसा था कि अगर आप एक विमेन हैं और अगर आप कहीं पे बाहर जाती हैं वो भी एक ब्रिटिश सोल्जर के साथ तो जो पनिशमेंट होगी आई आर ए जो आपको पनिशमेंट देगी वो ये होगी कि आपको फोर्सफुली स्ट्रीट में खींचा जाएगा एज अ वीमेन अगर आप हो तो आपको स्ट्रीट में खींचा जाएगा आपको रेलिंग से बांध दिया जाएगा आपको वहीं पे पूरी धूप में छोड़ देंगे आपके ऊपर टार डाल देंगे टार एंड फैदर जिस पनिशमेंट का नाम था जिस जिससे रोड बनते हैं जो ब्लैक कलर का टार होता है वो आपके ऊपर डालेंगे हॉट टार एंड देन उसके ऊपर वाइट फैदर्स को डाल देंगे ताकि उस पर स्टिक हो जाए चिपक जाए तो ये उनकी पनिशमेंट थी और देन वहाँ पर उन्हें छोड़ दिया जाता था मे बी एक दिन के लिए दो दिन के लिए वो डिपेंड करता है पनिशमेंट के ऊपर कि किस तरीके की पनिशमेंट दी जा रही है तो जो हीनी है सिमिस हीनी है वो इस पनिशमेंट को जो मॉड उस टाइम पे नॉर्दर्न आयलैंड में मिल रही थी लड़कियों को इस पनिशमेंट को बाग में जो बॉडी मिली थी उसकी पनिशमेंट से कंपेयर कर रहे हैं इस पोइट्री में तो सीमित सिनी ने इस कहानी के बारे में सुना था मतलब कि ये जो हुआ था पहले कभी या फिर जब ये 1968 की बात हुई थी और उन्होंने इस इमेज को भी देखा था तो उन्होंने सोचा कि उन्हें एक ऐसी पोइट्री लिखनी चाहिए वो अपने आप को महसूस करते हैं कि अगर मैं वहाँ पर होता जब उस लड़की को पनिशमेंट दी गई थी तो मैं क्या करता जो वो लड़की बाग में मिली है गड्ढे में मिली है तो वो सोचते हैं कि वो कुछ नहीं करते वो बस वहाँ पर खड़े होते विटनेस करते चीज़ों को देखते पर कुछ बोलते नहीं और वो सोचते हैं कि उस लड़की के लिए कितना ज़्यादा दर्द रहा होगा पेन रहा होगा जो उसने सफ़र किया है ये इस पोइट्री में हम देखेंगे पोएम है वो वैसे तो एलेवन स्टैंडर्ड्स की है बट हम उसे दो, दो सेक्शन में भी डिवाइड कर सकते हैं वो ऐसे कि जो फर्स्ट नाइन स्टैंडर्स हैं उन्हें हम एक सेपरेट सेक्शन समझ सकते हैं और इलेवन और जो टेन इलेवन है उनको सेकेंड सेक्शन समझ सकते हैं क्योंकि जो फर्स्ट पार्ट है फर्स्ट सेक्शन है वो ऐसा लगता है जिसमें हमें बताया गया है कि जो पनिशमेंट है उस गर्ल की वो कैसी थी जो पोर्ट है वो इमेजिन करते हैं कि उस लड़की को खींचा गया होगा ड्राउन किया गया होगा उसकी जो अडल्ट्री का क्राइम था उसके लिए उसे पनिश किया गया है जो ही नहीं है वो इमेजिन करते हैं कि वहाँ पर उस लड़की के लिए उस तरीके से रहना कैसा रहा होगा उसका जो पेन है एगनी है वो कैसी रही होगी और वो क्या करते अगर वो वहाँ पर होते तो फर्स्ट पार्ट में नाइन्थ स्टैंड में वो ये डिस्कस करते हैं एंड देन लास्ट के जो सेकेंड दो स्टैंडर्ड्स हैं वो उसमें डिस्कस करते हैं वो यहाँ पर बोलते हैं जैसे उन्होंने पहले पूछा कि वो क्या करते लास्ट के दो सेक्शन में वो बोलते हैं कि वो कुछ नहीं करते हिस्टो डंप वहाँ पर डंप की तरह खड़े थे उन्होंने कुछ नहीं किया जब वो जो वेमेंस थी वो रो रही थी रेलिंग्स के पास में बंधी हुई और उनके ऊपर टार डाला जा रहा था उनके ऊपर फैदर्स डाले जा रहे थे नाउ स्टैंडर्ड नंबर वन है आपकी स्क्रीन पर दिख जाएगा स्टैंडर्ड नंबर वन

कि वो जो उसके गर्दन के पास में जो रस्सी थी वो उसको महसूस कर सकते हैं फ़ील कर सकते हैं और जो विंड उसकी नेकेड फ्रंट को टच करके जा रही थी उसकी बॉडी जो नेकेड थी वो उस विंड को भी फ़ील कर सकते हैं हॉल्टर क्या होता है हॉल्टर होता है जैसे कि एनिमल्स के गले में डाला जाता है एक रस्सी उसे हॉल्टर बोलते हैं लेकिन यहाँ पर एक लड़की के गले के पास हॉल्टर डालना मतलब कि उसके नेक के अराउंड में एक हॉल्टर होना यहाँ पर जो हिनी है उन्होंने उनकी जो लैंग्वेज है वो बहुत ज़्यादा डिमेनाइजिंग है उनकी क्योंकि वो एक इंसान को एक एनिमल से कंपेयर कर रहे हैं कि उसके अराउंड नेक के अराउंड में एक हॉल्टर है तो यहाँ पर उस, उनकी लैंग्वेज को नोटिस करना जरूरी है और यहाँ पर जो लड़की है जो बॉक गर्ल है उसे कंपेयर किया गया है एनिमल से और वो ह्यूमन से लेस देन शो करी गई है सेकेंड स्टैंड जब बोलता है इन प्लोज हर नेपल्स ऑफ द एम्बर बीट्स कि जो हवा चल रही थी वो क्या कर रही थी वो उसके जो नेपल्स थे उन्हें हिला रही थी हल्का सा क्योंकि उसकी जो बॉडी थी वो नेकेड थी तो ये जो लैंग्वेज है ये बहुत ज़्यादा इंटीमेट इमेज को दिखा रही है कि जो लड़की थी वो बहुत ज़्यादा कोल्ड हो गई थी उसके जो नेपल्स थे वो बीट्स में टर्न अप हो रहे थे और वो जो लड़की है उसे एक ऑब्जेक्ट की तरह दिखाया गया है कि वो ह्यूमन के जगह अब ऑब्जेक्ट में टर्न आउट हो चुकी है और जो लड़की है वो शी इज़ बीइंग ऑब्जेक्टिफाइड कि उसे ऑब्जेक्टिफाइड किया गया है यहाँ पर उसके जो रिब्स हैं उसकी जो रिब्स की जो हड्डियाँ हैं उन्हें रिगिंग्स से कंपेयर किया गया है अब जो रिगिंग्स है वो एक तरीके की रोप होती है जो बोट को होल्ड करने के लिए बांधी जाती है तो यहाँ पर इसको दिखाया गया है कि जो लड़की है वो बहुत ज़्यादा अंडर नरिश्ड है कि जो उसके रिब्स हैं वो ऐसे लग रहे हैं जैसे रोप्स हो चुकी हैं उसकी जो इमेज है उसकी रिब्स की वैसी दिखाई गई है कि वो बहुत ज़्यादा वल्नरेबल है और बहुत ज़्यादा उसके अंदर पेन था उसको शो किया गया है देन आता है स्टैंड नंबर थ्री आई कैन सी हर ड्राउन बॉडी इन द बॉग द वेटिंग स्टोन अब यहाँ पर वेटिंग स्टोन क्यों क्योंकि मैंने अभी बताया था कि उस बॉडी के ऊपर एक स्टोन रखा गया था ताकि जो उसकी बॉडी है वो ड्राउन रह सके पिट के अंदर वाटर के अंदर तो यहाँ पर जो हीनी है वो बोल रहे हैं कि ही कैन सी द बॉडी वो बॉडी को दे सक देख सकते हैं और वो देख सकते हैं एक हैवी स्टोन जो उसके ऊपर रखा गया था ताकि उसे बॉक के अंदर डुबा दु, कर रखा जा सके और हीनी यहाँ पर हमारा जो रीडर्स का जो अटेंशन है वो खींचते हैं और दिखाते हैं कि जो विक्टिम की सफरिंग थी वो कितनी ज़्यादा थी उनके जो इन्जॉयमेंट उन्होंने यूज़ कर रखा है कि जो फर्स्ट लाइन है वो सेकेंड वजह एंड होती है सेकेंड वाली थर्ड में एंड हो रही है इन्जॉयमेंट के थ्रू वो उसकी सफरिंग को शो कर रहे हैं स्टैंडर्ड नंबर फोर आता है स्टैंडर्ड नंबर फोर में बोला गया है शी वॉज बाग सैपलिंग तो यहाँ पर मेटाफॉरिकल लैंग्वेज को यूज़ किया गया है उसकी कंडीशन को शो करने के लिए बोला गया है कि वो जो लड़की है जो अभी जिसकी बॉडी निकली है जिसके रिमेन्स मिले हैं शी वॉज़ लाइक अ पीस ऑफ वुड वो एक लकड़ी की तरह है पेड़ की तरह है ट्री की तरह है बोला जाता है कि जैसे कि अगर आप कोई ट्री देखते हैं और उस ट्री की जो बाग्स हैं उसे स्ट्राइप कर रखा होता है उसकी जो खाल होती है उसे उतार रखा होता है तो वो जो इमेज होती है एक सैड इमेज होती है वा इमेज नहीं होती है पैथेटिक होती है कि हाँ एक नाइस इमेज नहीं है उसी तरीके से यहाँ पर इस लड़की को भी कंपेयर किया गया है, है। बार्क ऑफ सैपलिंग से तो ये जो बार्क ऑफ सैपलिंग यूज़ किया गया है इसे कंपेयर करने के लिए जो कंडीशन है उसको बोला गया है शी लुक्स लाइक अ पीस ऑफ वुड और यहाँ पर वुड उसे वुड से कंपेयर किया गया है देन उसे यहाँ पर फिर से एक बार ऑब्जेक्टिफाइड किया गया है बिकॉज शी इज़ बींग कम्पेयर विद अ वुड जो कि एक ऑब्जेक्ट है और शी इज़ बीग टर्न फ्रॉम अ ह्यूमन बींग इंटू अ समथिंग विच इज़ नॉन ह्यूमन मे बी या विच इज़ नॉन ह्यूमन एंड डिस्कास्टिंग एंड या इंसल्टिंग एज वेल ओक बोन यहाँ पर बोला गया है आप इस टैंड में देखिए ओक बोन तो जो ओक बोन है इसे डिस्क्राइब किया गया है इसके बोन्स के लिए इसकी बॉडी के लिए और इसे दोबारा से दिखाया गया है कि जो इसकी बोन्स है वो वुड है मतलब कि जो उसकी हड्डियाँ हैं वो वुड की तरह है लकड़ी की तरह है यहाँ पर एक बार फिर से उसे ऑब्जेक्टिफाइड किया गया है और आगे बोला गया कि जो उसका ब्रेन है वो फर्किंग है उसका जो स्कल है उसे भी एक बार कॉफिन से कंपेयर किया गया है कि जो उसका स्कल है उसकी जो हेड है हेड की जो हड्डियां हैं वो कॉफिन है उसके ब्रेन के लिए जिसने उसे दबा के रखा हुआ है और यहाँ पर ये यह बहुत ज़्यादा क्रीपी डीमेनाइजिंग इमेज है किसी भी गर्ल की या फिर किसी भी ह्यूमन बीइंग की स्टैंडर्ड नंबर फाइव एंड सिक्स डिस्क्राइब करता है उसके हेयर को कि जो उसके हेयर हैं उन्हें शेव कर दिया गया है जो कि कॉमन कॉमन पनिशमेंट थी अगर किसी को एग्जीक्यूट किया जा रहा है फिर पनिशमेंट दी जा रही है उसकी प्रैक्टिस में उसके हेड को शेव किया जाता था एज अ फॉर्म ऑफ पनिशमेंट उसको ह्यूमिलेट करने के लिए और उसके बाद उस ओ, बोला गया है कि जो उसका हेड है शेव्ड हेड है वो ऐसा लग रहा है जैसे कि ब्लैक कॉर्न का जो खेत होता है फील्ड होता है उसकी तरह उस लड़की को ब्लाइंड फोल्ड किया गया ऑन द बॉडी ऑफ हिज वूमेन की एक ब्लाइंड फोल्ड उसके ऊपर आंखों के ऊपर बांध दिया गया उसका जो रोप है उसके रोप नेक के अराउंड में उसकी एक नोप मिली एक रस्सी मिली है और यहाँ पर फिर से जो इंटरनल कॉन्फ्लिक्ट है पोइट की वो स्टार्ट हो जाती है हीनी के माइंड में वो रोप को देखते हैं जो कि उस लड़की के गले के आसपास में बंधी हुई थी जिसने उसे नीचे दबा के रखा हुआ था पानी में और वो इसे कंपेयर कर रहे हैं एक रिंग के साथ तो एक रस्सी का फंदा और एक रिंग दोनों ही बहुत ही डिफरेंट चीज़ें हैं वो बहुत ही डिस्कस्टिंग चीज़ है पनिशमेंट टाइप में है लेकिन जो रिंग है वो कहीं ना कहीं सिम्बलाइज करता है लव को अफेक्शन को तो हीनी दो अपोजिट चीज़ों को यहाँ पर कंपेयर कर रहे हैं वो इसलिए कर रहे हैं क्योंकि जिस पनिश जिस चीज के लिए उस लड़की को पनिशमेंट मिली है वो अडल्ट्री है अडल्ट्री में मतलब उसे कहीं ना कहीं किसी से प्यार हुआ होगा तो वो जो उसका लव है वो जो सिम्बलाइज कर रहा है रिंग को वो कहीं ना कहीं कही उसके लिए नूज बन गया है तो जो हीनी है वो सोचते हैं कि जो सिंबल है एग्जीक्यूशन का नूज का उसके बारे में बता रख आगे स्टैंडर्ड नंबर सेवन में जो पोइट है हीनी है वो कॉन्ट्रास्ट कर रहे हैं एक बार उन्होंने बोला कि उस वुमेन के जो बाल थे हेड था उसे शेव कर दिया गया था अब जो इनिए वो कंपेयर कर रहे हैं कि जो ये जो लड़की है शेव करने से पहले पनिशमेंट से पहले ये कैसी रही होगी तो वो बोलते हैं कि इसके फ्लैक्शन हेयर थे फ्लैक्शन मतलब गोल्डन जो ब्राउंड कलर होता है ब्राउंड कलर के हेयर थे वो बहुत ज़्यादा ब्यूटीफुल थे वो खुद ब्यूटीफुल थी ये सब कुछ होने से पहले लेकिन उसके बाद क्या वो उसने बहुत ज़्यादा सफरिंग करी है और इतनी सारी सफरिंग को दिखाने के बाद जो रीडर्स है या फिर जो पोइट है उसकी जो सिम्पत्ति है वो इवोक होती है उस विक्टिम के लिए टार ब्लैक फेस जो है वो ब्यूटीफुल है मतलब जब उसकी बॉडी पर टार डाला गया था वो जो ब्लैक कलर का रोडों पे पड़ता है वो डाला गया था उससे पहले जो उसका फ़ेस था तो बहुत ज़्यादा ब्यूटीफुल था लेकिन शी इज़ नो लॉन्गर ब्यूटीफुल लेकिन वो अब ब्यूटीफुल नहीं है क्योंकि उसे पनिशमेंट दी जा चुकी है उसकी बॉडी पर टार डाल दिया है फ़ायदा डाल दिया है हिनी जो है वो इस लड़की को जो बॉडी मिली है उसे स्केप कोड बोलते हैं माई पोअर स्केप कोड अब स्केप कोड क्या होता है ये एक इल्यूजन है बाइबल में कई बार आता है या फिर ओल्ड टेस्टिमेंट में शो किया गया है कि जैसे पहले के ज़माने में ऐसा होता था एशियन टाइम में जैसे कि ट्राइब्स के जितने भी पनिश क्राइम्स होते थे सेंस होते थे तो एक वो गोट को पकड़ ले कर ले आते थे और जो प्रीस्ट होता था वो ऐसा एज्यूम करता था कि जो जितने भी ट्राइब्स के लोग हैं जितने भी उनके लोग हैं उन सब के जितने भी सेंस हैं पाप है वो एक गोट पर डाल देते थे कि हाँ वो सारे सेंस फुल हैं तो उनके जो सिन् है वो ख़त्म हो चुके हैं जितने भी सेंस थे वो अभी एक गोट पर आ चुके हैं और उसके बाद वो उस गोट को छोड़ देते थे किसी भी रेगिस्तान में डेजर्ट में जस्ट कि वो वहाँ पर जाए उसे फ़ूड नहीं मिलेगा ऑफ ऑफकोर्स नहीं मिलेगा क्योंकि वहाँ पे उसे कौन ही फूड देने जाएगा जस्ट लेट हर डाई कि ठीक है वो जा रही है वहाँ पर मर जाएगी उसके बाद जो हमारे सिंस हैं वो भी ख़त्म हो जाएंगे तो यहाँ पर जो हिनी है वो उस गर्ल को स्केप गोड से कंपेयर कर रहे हैं कि यहाँ पर ये शो किया गया कि हाँ हो सकता है कि ये हंड्रेड परसेंट गिल्टी ना हो बस उसे इसलिए पनिशमेंट दी जा रही है क्योंकि जो लोग हैं वो अपने आप को सिन था उसे हटाना चाहते हैं मे बी इसलिए या फिर मे बी इसलिए कि जो लोग थे उस टाइम के जो आ, रूलिंग पार्टी थी आई आर ए थी आयरिश रिवोल्यूशनरी आर्मी वो एक एग्जाम्पल सेट करना चाहती थी कि अगर कोई ब्रिटिश रोलजर्स के फत जाएगा तो उसके फत ये होगा क्योंकि जो लड़की है वो उसे स्केप गोड बोला गया दैट मीन्स कि वो गिल्टी नहीं है एटलीस्ट हंड्रेड परसेंट गिल्टी नहीं है जो उसने किया है उसके लिए फिर से एनिमल से कंपेयर किया गया है जो आ, छोड़ दी जाती है सफ़र करने के लिए और डायालॉन कि वो अकेले सफ़र करेगी अकेले ही मरेगी तो यहाँ की जो इमेज है वो बहुत ज़्यादा हॉरीफाइंग है कि उसे छोड़ दिया अकेले सफ़र करने के लिए मरने के लिए और अब नहीं जो एट्थ स्टैंड में बोलते हैं आई ऑलमोस्ट लव यू तो यहाँ पर ये यह बोल रहे हैं कि ये बहुत ज़्यादा गिल्टी फील करते हैं इसलिए क्योंकि इन्हें ये कुछ कर नहीं पाए वो वहाँ पर होते या फिर थे यहाँ पर वो थे नहीं मतलब वो ऐसे एज्यूम करते हैं कि अगर वो वहाँ पर होते भी वो तभी भी कुछ नहीं कर पाते उन्होंने कुछ रिस्पांस नहीं किया वो उसके लिए रिस्पॉन्सिबल हैं क्योंकि उन्होंने कुछ रिस्पांस नहीं किया आवाज़ नहीं उठाई वो ब्रेव नहीं थे कि वो उसका एग्जीक्यूशन रोक सके और इसीलिए उसने इतना सफ़र किया है और उसकी डेथ हुई है तो यहाँ पर वो अपने आप को उस चीज़ के लिए गिल्टी महसूस कर रहे हैं अपने ऊपर एक प्रेशर बनाते हैं एक आर्टिस्ट का रोल क्या होता है अगर वो ऐसा कुछ देखता है और वो बोलता है ही इज़ द आर्टफुल वॉयर वॉयर क्या होता है जो एक ऐसा पर्सन जो दूर खड़ा कि चीज़ों का ऑब्जर्व करता है ऑब्जर्व कर रहा है एंड देन उसके बाद उसके ऊपर कोई पोइट्री लिख रहा है कुछ स्केच कर रहा है तो वो अपने आप को बोलते हैं या फिर एक आर्टिस्ट का पोइट का रोल किया है जस्ट कि वो कोई चीज़ एक्सपीरियंस करे देखे और उसके ऊपर कोई चीज़ लिखे या फिर पेंट करे ड्रॉ करे लेकिन उसके ऊपर वो कभी भी इंटरवेंट नहीं करते हैं जाकर कुछ बोलते नहीं हैं तो वो यही हाईलाइट कर रहे हैं यहाँ पर अपने गिल्ट को कि वो थे उन्होंने चीज़ें देखी पर कुछ किया नहीं और इसीलिए ये भी रिस्पॉन्सिबल है उसके लिए तो यहाँ पर वो खुद को क्रिटिसाइज़ कर रहे हैं दर आगे की पोइट्री में बोला गया है कि जो इस हीनी है अब यहाँ पर उस लड़की के बारे में बात करना बंद कर देते हैं जो विंड बी आए गर्ल्ड जिसकी बॉडी मिली थी बॉक के अंदर जिसको अडल्ट्री के लिए चार्ज किया गया था उसके बारे में बात करना बंद करते हैं अब ये उस लड़की की उन लड़कियों के बारे में सोचते हैं उन विमेंस की पनिशमेंट के बारे में सोचना शुरू करते हैं जो उस टाइम पर नॉर्दर्न आयरलैंड की लड़कियाँ या फिर वुमेन फेस कर रही थी सफ़र कर रही थी जैसे कि मैंने बताया था कि 1968 से 1998 तक वहाँ पे ट्रबल्स चल रहे थे उसके ड्यूरेशन में यही इसी तरीके की पनिशमेंट दी जाती थी वूमेन्स को तो यहाँ पर वो उनको बात कर रहे और कहते हैं कि इन्होंने कुछ नहीं किया जब जो वेमेन थी वो रो रही थी रेलिंग्स से लग कर रो रही थी टार और पैदल उनके ऊपर डाला गया था उन्होंने कुछ नहीं किया ही हिस्टू डम्प वो सिर्फ डम्प की तरह खड़े हुए थे इन्होंने देखा उन सभी वेमेन को जिनके ऊपर टार डाला गया पोइट so है उन्होंने कुछ नहीं किया और यहाँ पर जो पोइट है वो इन्हें बोलते हैं यो बिटरिंग सिस्टर बिटरिंग सिस्टर्स क्यों क्योंकि वो जो विमेंस थी वो ब्रिटिश सोल्जर्स के पास बाहर गई थी या फिर उनके पास उनके रिलेशन थे इसलिए हाँ यहाँ पे यहाँ पे बोला गया है बिटरिंग सिस्टर्स और जो नेक्स्ट इस जो है यहाँ पर जो हीनी है वो कहीं कही ना कहीं दो चीज़ों को दिखाते हैं एक तरफ तो वो बोलते हैं क्रिटिसाइज़ करते हैं जो सिविलाइज्ड आउटरीच है कि लोग इतना सिविलाइज सिविलाइज करते हैं लेकिन उसके बाद भी जो उनकी पनिशमेंट है वो इस तरीके की है डीमेनाइजिंग है दूसरी साइड वो बोलते हैं कि एक तरफ तो हाँ ठीक है वैसे पनिशमेंट दे रहे हैं उन्हें गुस्सा आ रहा है लेकिन दूसरी तरफ क्या बोल रहे हैं वो कि वो समझते हैं ऐसी पनिशमेंट क्यों दी गई है क्योंकि इनकी जो ट्राइबल लॉयलिटीज़ हैं उनके उनके रिगार्डिंग में है कि वो लोगों की जो लॉयलिटी है अपने ट्राइब को लेके उसके लिए समझते हैं और जो रिवेंज की फीलिंग है ये उसके लिए है तो जो एंडिंग है वो दो डिफरेंट आइडियाज़ पे होती है एक तरफ वो दिखा रहे हैं कि उन्हें गुस्सा आ रहा है दूसरी तरफ वो कह रहे हैं कि हाँ वो समझते हैं कि ऐसी पनिशमेंट क्यों दी जाती है तो यहाँ पर जो पोइट्री है वो खत्म हो जाती है एंड आई विल सी यू इन अ नेक्स्ट वीडियो टिल देन टेक केयर बाय बाय